ब्राइट फ्यूचर स्कूल ऑफ स्टडीज। हेलो एवरीवन, टुडे आई एम एक्सप्लेनिंग वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 6 ऑफ इंग्लिश। ओके, सो विच इज अवर 6th चैप्टर, कौन सा है हमारा 6th चैप्टर? आई लव माय बेबी चैप्टर जो है, मैं आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आई थिंक सभी ने वीडियो देख लिया होगा। सो उसी चैप्टर में से मैंने कुछ टफ वर्ड्स फाइंड किए जिनके मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर वर्ड। SNUG स्नग, स्नग इट मीन्स आरामदायक। QUICKLY क्विकली इट मीन्स जल्दी से। STRANGE स्ट्रेंथ इट मीन्स अजीब। DANGER डेंजर, डेंजर इट मीन्स खतरा। UNTIL until, until it means जब तक। ANEMY enemy it means दुश्मन। TINY teeny it means छोटे। CLEVER clever it means चतुर। GNAWAT gnaw out it means दांत से काटना। NATURE nature it means प्रकृति। गॉट इट, समझ में आया आपको वर्ड मीनिंग? अब आपको क्या करना है, अपनी इंग्लिश कॉपी में 6th चैप्टर मेंशन करके उसमें ये वर्ड मीनिंग राइट करना है एंड लर्न भी करना है। गॉट इट, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन आंसर। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डज MAMA मम्मा POLAR पोलर BEAR बियर हैव हर CUBS कप्स। ओके, वेयर डज मम्मा पोलर बियर हैव हर कप्स, इट मीन्स जो मम्मा पोलर बियर है वह अपने कप्स को कहाँ रखती है। अब आपने सभी ने वीडियो देखा है चैप्टर का। ओके, सो पोलर बियर जो है वो कहाँ रहते हैं? कोल्ड प्लेस पर रहते हैं, आइसी प्लेस पर रहते हैं। तो वो अपने बेबीज को कहाँ रखते हैं? इन अ केव, है ना, उस आइसी प्लेस पर ही वो एक केव इट मीन्स एक गुफा बनाते हैं और उसके अंदर अपने बेबीज को रखते हैं। सो आंसर इज मम्मा पोलर बियर हैव हर कप्स इन आइस केव। गॉट इट, समझ में आया? मम्मा पोलर बियर अपने बेबीज को आइस केव के अंदर रखती है, इट मीन्स बर्फ की गुफा के अंदर रखती है। नाउ नेक्स्ट इज नेम टू थिंग्स दैट एन ARMADILLO armadillo EATS eats। ओके, इट मीन्स जो armadillo जो ईट करता है ना, ऐसी आपको टू थिंग्स के नेम बताना है। ओके, वीडियो में मैंने आपको बताया है जब चैप्टर एक्सप्लेन किया है कि वह क्या क्या ईट करता है। यस, इंसेक्ट ईट करता है और कुछ प्लांट्स भी वो ईट करते हैं। गॉट इट, सो आंसर इज एन ARMADILLO armadillo eats insects insects and plants। जो armadillo हैं वो इंसेक्ट और प्लांट्स ईट करते हैं। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज नेम टू ANIMALS एनिमल्स दैट CARY कैरी देयर YOUNG यंग इन अ POUCH पाउच। ओके, नेम टू एनिमल्स दैट कैरी देयर यंग इन अ पाउच, इट मीन्स आपको टू एनिमल्स ऐसे बताना है जो कि अपने बेबीज को कहाँ रखते हैं? पाउच में रखते हैं। ओके, तो कौन से एनिमल्स हैं वो? यस, चैप्टर देखा है ना सभी ने, एक्सप्लेन किया है मैंने, तो कौन रखता है? कंगारू है, ओपोसम, इनके पास पाउच होता है जिसमें ये अपने बेबीज को कैरी करते हैं। ओके, सो आंसर इज KANGARO कंगारू एंड OPOSSUM ओपोसम कैरी देयर यंग इन अ पाउच। कंगारू एंड ओपोसम कैरी देयर यंग इन अ पाउच। गॉट इट, एंड लास्ट क्वेश्चन इज DESCRIBE डिस्क्राइब NEWBORN newborn OPOSSUM ओपोसम। ओके, इट मीन्स आपको
जो ओपोसम रहता है ना, उसका जब बेबी बॉर्न होता है, आपको उस चीज़ को डिस्क्राइब करना है कि वो उस समय कैसा दिखता है, उसके पास क्या थिंग्स होती है, क्या नहीं होती है, उसके बारे में बताना है। सो आपने वीडियो देखा है सभी ने, जब मैंने आपको चैप्टर एक्सप्लेन किया है कैसा बेबी होता है, उसका बहुत छोटा होता है ना, ना उसकी स्किन पर हेयर होते हैं, ना ही वो देख सकता है। ओके, मम्मा उसको पाउच में रखती है ना, कब तक रखती है, आई थिंक 8 वीक तक उसको पाउच में रखती है, और फिर क्या करती है, उसको पाउच से बाहर निकालती है और अपने बैग पर बिठा कर उसको राइड करवाती है ना, देखा था ना आपने वीडियो। सो आंसर इज व्हेन बेबी ओपोसम आर बॉर्न दे आर वेरी टीनी, इट मीन्स उस समय वह बहुत छोटे होते हैं, हैव नो हेयर, उनको कोई हेयर नहीं होते हैं, एंड कैन नॉट सी, और ना ही वो देख सकते हैं। ओके, इट मीन्स जब ओपोसम बॉर्न होता है उस समय वह बहुत छोटा होता है, वो ना देख सकता है और ना ही उसके हेयर होते हैं। गॉट इट, समझ में आया आपको? अब आपने जहाँ वर्ड मीनिंग राइट किए ना, उसी के नियर वाले पेज पर आपको ये क्वेश्चन आंसर भी राइट करना है, आफ्टर राइटिंग मुझे पिक सेंड करना है और लर्न भी करना है। गॉट इट, थैंक यू।